अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी है नाश्ते का टाइम और सुबह सुबह जो है बारिश शुरू हो गई है। और जैसे ही तेज़ हवा चलती है तो लाइट चली जाती है, तो अभी हमारी लाइट भी नहीं आ रही। और पिछले 2 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि बस ना किचन में तो बिल्कुल भी खड़े होने का सोच भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो सिलेंडर क्योंकि पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो हवा भी चल रही और मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो बेहतर है कि खाना जो है ना सुबह के टाइम मैं इधर आज बरामदे में बनाऊँ। तो बारिश हो रही थी और ये सुबह के टाइम नाश्ते में मैं बना रही हूँ माश की दाल। हमारे घर में ऐसे होता है कि नाश्ते में ना सालन के अलावा जो मतलब नाश्ता नहीं किया जाता, नाश्ते में सालन का होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि अंडा या दही वगैरह, नहीं तो ज़्यादा जो है नाश्ता सालन के साथ ही किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ माश की दाल। अभी ये बरामदे में बैठी हूँ और इतना पसीना आ रहा है। और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, आँच थोड़ी हो रही है चूल्हे की इधर उधर, पर कोई बात नहीं, काम तो मेरा हो ही जाएगा। और लाइट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे ही थोड़ी हवा चले या बारिश लाइट चली जाती है। वैसे बेहतर भी होता है लाइट का जाना, तो लाइट चली गई थी, किचन में अंधेरा था क्योंकि टाइम सुबह सुबह का है, तो चूल्हा मैंने रख लिया इधर और खाना बनाना शुरू कर दिया। आज तो मेरा व्लॉग जो है वो दौड़ते भागते हो रहा है, कभी इधर कभी उधर। पहले मैंने किचन में खाना बनाना शुरू किया, गर्मी लगी फिर मैंने कहा कि चलो सिलेंडर है इधर रख लेती हूँ, चूल्हा इधर खाना बना रही हूँ। लेकिन जो हवा चल रही है वो थोड़ी मुश्किल हो रही है खाना बनाने में। और थोड़ी सी बारिश रुकी तो थोड़ा बाहर निकाल दिया चूल्हा। और सुबह के टाइम जो है वो पराठे और पराठे के साथ सालन जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोमना के जो पापा हैं वो खाना घर से ले के जाते हैं साथ के लिए, तो इसलिए ज़्यादातर क्या करती हूँ कि रात के टाइम सालन बना लेती हूँ। लेकिन कल मैंने कुछ भी नहीं था बनाया तो इसलिए जो है अभी सुबह सुबह बना रही हूँ। तो फिर यही सालन जो है दोपहर को भी खा लेते हैं और शाम को भी। तो शुक्र है आज बारिश हुई और कुछ मौसम बेहतर हुआ। और ये इधर कर रहे हैं पौधों की सफाई, पौधे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और काफ़ी हद तक फैल गए थे तो ये ज़रूरी था इनके पत्ते वगैरह काटना, क्योंकि बरसात का मौसम है और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से क्यारियाँ साफ़ रखना जो है ना वो सबसे ज़रूरी काम होता है। और मेरी नए आने वाले व्यूवर्स जो हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब किसी के चैनल पे आते हैं कमेंट करते हैं तो कम से कम 2 मिनट उसकी वीडियो देख के फिर उसका चैनल सब्सक्राइब किया करें। आप वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते तो कमेंट कर देते हैं वेरी नाइस और ये वो। तो नंबर्स वगैरह जो देखने से पता चल जाता है कि किसने वीडियो देखी किसने नहीं देखी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब किसी की वीडियो देखूँ तो पहले उसको, जब किसी का चैनल सब्सक्राइब करना हो पहले उसकी वीडियो देखती हूँ फिर उसके बाद कमेंट करती हूँ। तो मेरे ख्याल में मेरे कमेंट से भी अंदाज़ा हो ही जाता होगा कि मैंने वीडियो देखी है। तो इस तरह है कि वीडियो देख के फिर बाद में कमेंट किया करें और लाइक किया करें। और अगर आपको मेरा व्यूवर्स आज का जो व्लॉग है भागता दौड़ता हुआ व्लॉग, कभी कमरे में सॉरी किचन में और कभी बरामदे में, तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि व्लॉग आपको कैसा लगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और एक चीज़, चैनल जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक पहुंच सकें। तो
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।